दोनों प्रश्न सिलेक्ट किया है राजेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर महीना माने वाले सर किस तरह की तैयारी और क्या गाइडलाइन इशू की गई? अभी मुहर्रम जो है 19 तारीख से 29 तारीख तक होने वाला है, तो ये 10 दिन में देवनार पुलिस स्टेशन की हद में अलग अलग जगह हर रात को वाज का कार्यक्रम होता है, फिर दूसरे जो अलग अलग कार्यक्रम्स है उसमें लोग बड़ी तादाद में आते हैं। हर एक प्रोग्राम में कम से कम 200-300 लोग रहते हैं। वाज में वो अपने अपने धर्म गुरु को बुलाते हैं, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं है ऐसा प्रीचिंग्स और सब लोगों को क्या क्या करना चाहिए बताते हैं। उसके अलावा लास्ट के 4 दिन 6, 7, 8, 9 ये दिनों में अलग अलग मिरौनक निकलती है, ताजिया पंजा, और जो लास्ट का दिन है उस दिन मातम का भी रहता है, तो वो 3-4 मिरौनक में बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं है ये हमने जो हमारे कमिश्नर ऑफिस से जो भी गाइडलाइंस रहती है हमने वो बताई है। आज सब मौलाना जो भी मोहल्ला कमेटी के मेंबर्स है जो जिन्होंने मिरौनक ऑर्गेनाइज की है वो ऑर्गेनाइजर्स थे, ये सबको बुला के आज उनको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं है इसका हमने जानकारी दी है। और देवनार पुलिस स्टेशन के हद में से जितने भी लोग हैं वो हर साल हर त्यौहार पे कॉपरेट करते हैं। पिछली बकरीद के लिए भी वो सबसे अच्छा पहले से निकल गया बकरीद, उसमें कुछ भी हुआ नहीं है, कौन सा भी हादसा नहीं हुआ, तो ऐसा सब लोगों का सहयोग होने से होता है। तो ये मुहर्रम में भी ऐसा ही होगा, सब ने आश्वासन दिया ये साल भी कुछ नहीं होगा। बकरीद जैसी मनाई गई जो कि 10-15 दिन में ये मंडी में सब माहौल था, वैसा ही माहौल मुहर्रम में रहेगा 10 दिन, और कौन सी भी घटनाएं होगी नहीं ऐसा लोगों ने आश्वासन दिया है। हमारी तरफ से हमने बोला है कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट रहेगा उधर जो कि अफवाह फैलाता रहेगा या कुछ भी गाली गलौज करता रहेगा, ऐसी लोगों की जानकारी लेके तुरंत हमको बताओ, हम उसकी खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमने सबको आश्वासन दिया है। अच्छा, जो जुलूस निकलता है 10 दिन जुलूस निकलेगा तो उसमें जो वॉलंटियर लोग की आप लोग की क्या उसमें सुविधा रहेगी? ये साल से हमने जो संयोजक बोलते हैं हर कार्यक्रम में वाज के दिन रहेगा फिर मिरौनक के टाइम रहेगा, हमने सबको ऐलान करके बोला है कि जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है अपने अपने एरिया के उनको 5-10 लोग रहेंगे हर एक एरिया के, वो संयोजक करके काम करेंगे वॉलंटियर करके काम करेंगे, उनको हम एक छोटा पास देंगे 10 दिन के लिए, हर एक वाज कार्यक्रम में वो एरिया में वो वॉलंटियर का काम करेंगे। और आखिरी दिन मिरौनक जब भी रहती है बड़ी उसमें जो लोग बड़ी तादाद में आते हैं पूरा मानखुर घाटकोपर लिंक रोड में पूरा जमाव रहता है, कम से कम 5-6 लाख लोग तो आते ही रहते हैं, तो उसमें क्राउड कंट्रोल करने के लिए ये वॉलंटियर्स का हम मदद लेंगे, और उनकी तरफ से उनकी सहायता की तरफ से हम ये साल मुहर्रम का आखिरी दिन का जो मिरौनक रहेगा जुलूस रहेगा वो अच्छा से हो जाएगा, ये हमारी इच्छा है और ऐसा हो जाएगा। सर किस तरह का मैसेज देना चाहिए? सर मैसेज ये देना चाहते हैं कि कौन सा भी सन हो कौन सा भी फेस्टिवल हो उसमें सब धर्म के लोगों ने आपस में सहायता करके वो फेस्टिवल और जो ओकेजन रहेगा वो सब एकजुट से साझरा करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से मनाना चाहिए।